नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHU World में। आज हम आपसे बात करेंगे हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BA सोशल साइंस। आपने हमारा पुराना वीडियो BA आर्ट्स के ऊपर देखा था। दर्शकों की डिमांड पे आज हम BA सोशल साइंस के हर एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। आपसे बात करेंगे कि आप कैसे BHU के एंट्रेंस को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके सारे नियमों को जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार एंट्रेंस जो है एक खेल होता है, और जब आप किसी एंट्रेंस में या फिर किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसके सारे नियमों को जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। नियमों के लिहाज से एंट्रेंस में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत ही आवश्यक है कि कितने सीट हैं और कितने एप्लीकेंट उसके लिए आवेदन करते हैं। तो BA सोशल साइंस में जो है कुल 1551 सीट हैं, लेकिन ये 1551 सीट में बड़ा लोचा है क्योंकि यहाँ कुछ कॉलेज एफिलेटेड हैं। आप कुछ में ये M और F देख रहे होंगे, यानी मेल और फीमेल। कुछ सीट जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए है और कुछ ही सीट है जिस पे मेल फाइट कर सकते हैं। तो पहले आप इसे समझ लीजिए, टोटल जो सीट है मेल कैंपस के लिए वो है 460 और 154। ये सीट मेल कैंपस के लिए है। इसके अतिरिक्त जितनी भी ये सीटें हैं ये एफिलेटेड कॉलेज के लिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे एफिलेटेड कॉलेज क्या होता है। मेन कैंपस के अंतर्गत यहाँ की फैकल्टी और महिला महाविद्यालय आता है, जबकि एफिलेटेड कॉलेज वो कॉलेजेज होते हैं जो शहर में, बनारस शहर में है लेकिन BHU से संबद्ध है। लेकिन इन एफिलेटेड कॉलेजेस में आपको मेन कैंपस की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप मेन कैंपस के लिए फाइट कीजिए। यदि यहाँ उत्तीर्ण ना हो पाए तब हम आगे एफिलेटेड कॉलेज के लिए सोच सकते हैं। तो फीमेल के लिए जो है कुल 829 सीट जो है वो रिजर्व्ड है। इन 1551 में 829 सीट फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, यानी इन 829 सीट के लिए मेल कैंडिडेट फाइट ही नहीं कर सकता है। जो जितने भी कॉलेज आप दिख रहे हैं AMPG, VKM, VCW, MMB, ये सारे सीट्स जो है ये फीमेल के लिए, यहाँ पे सिर्फ फीमेल का एडमिशन होता है। दो कॉलेजेस मात्र ऐसे हैं, एक DAV और दूसरा FMC, यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस। जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस है सिर्फ वहीं के लिए मेल कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। तो 460 सीट हो गया फैकल्टी इन मेन कैंपस में और 261 सीट हो गया DAV में। इन दोनों जगहों पे फीमेल का एडमिशन हो सकता है, साथ ही मेल का भी हो सकता है। इसलिए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि किसका एडमिशन होगा। जिसकी भी रैंकिंग अधिक रहेगी उसका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए सीटों का जो ये डिवीजन है इसको बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और कुल फॉर्म जो गिरते हैं वो इसकी संख्या 40,000 के आसपास होती है, यानी 40,000 कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करते हैं। इसमें लगभग 35,000 के आसपास एग्जाम में बैठते होंगे और कुल सीट 1551। BA सोशल साइंस के अंतर्गत जो है किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 6-7 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आर्ट्स में आपने देखा था बड़ा लंबा तगड़ा लिस्ट था, सोशल में जो है सोशल साइंसेज में वो लिस्ट जरा छोटी है। इसमें इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और स्टैट्स, ये आपको ऑनर्स के रूप में मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो हालांकि वो ऑनर्स के रूप में नहीं मिलते हैं, जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं कोर में लेके, लेकिन ऑनर्स के रूप में आपको नहीं मिलेगा। ऑनर्स के रूप में आपको यही सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तीनों जगह मिलते हैं, जैसे कि आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत भी आप पढ़ सकते हैं उसको, साइंस फैकल्टी के भी अंतर्गत पढ़ सकते हैं और फिर सोशल साइंसेस के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैट्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि तीन फैकल्टीज में BHU में पढ़ाई जाती है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी वास्तुनिष्ठ। एक प्रश्न रहेंगे, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में आपको सही उत्तर जो है टिक करना होता है। कुल प्रश्न जो होते हैं प्रश्न पत्र में वो 150 होते हैं, और ये 150 प्रश्न दो भाग में डिवाइडेड होते हैं, 120 प्रश्न और 30 प्रश्न। इन 120 प्रश्न के बारे में डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस 30 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे।
इस 30 प्रश्न से पहले ये बता दूं कि एक प्रश्न जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, यानी कुल मार्क्स FM जो है, फुल मार्क्स जो है वो आपका 450 हो गया, और समय इसके लिए आपको 150 प्रश्नों के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होता है, यानी एक सही उत्तर के लिए अगर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं तो एक गलत उत्तर के लिए -1 कर दिया जाता है। अब बात कर लें हम इन 30 प्रश्नों की। ये 30 प्रश्न जो होते हैं ऑप्शनल प्रश्न होते हैं, यानी इसमें आपको ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन ऑप्शंस जो है वो सेट के अनुसार होते हैं। 2 प्रश्नों का सेट होता है, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में आपको कोई एक सेट बनाना होता है। लोग यहाँ कंफ्यूज ये करते हैं कि जो हिंदी मीडियम को होते हैं वो सोचते हैं हम हिंदी बना लें, जो इंग्लिश मीडियम को होते हैं वो सोचते हैं हम इंग्लिश बना लें। ऐसा नहीं करना है। आप पेपर को देखें, जिसमें आप अधिक अटेम्प्ट ले रहे हैं, जिसमें आप अधिक आंसर्स को जान रहे हैं उसको बनाएं, क्योंकि मीडियम से एंट्रेंस में कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप इंग्लिश में अधिक मार्क्स ले आए तो अच्छी बात है, यदि आप हिंदी में अधिक मार्क्स ले आए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जो आगे क्वालिफाई करके जब यहाँ क्लासेस करेंगे तो एंट्रेंस का वहाँ कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप अगर हिंदी भी बना के आए हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, यदि आप इंग्लिश भी बना के आए हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। अक्सर जो उम्मीदवार होते हैं, एप्लीकेंट्स जो होते हैं, उनमें यही समस्या होती है, क्योंकि प्रश्न पत्र में लिखा रहता है हिंदी माध्यम वालों के लिए, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होती है। इस चीज़ से बचें, और जो जिसमें आप अधिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करें। 30 क्वेश्चंस के बाद जो है अब हम चर्चा कर लेते हैं इन 120 क्वेश्चंस के बारे में, जो 120 प्रश्न जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। हालांकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, जो सच्चाई है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके अतिरिक्त साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद जो रिसेंट की घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स जो होती हैं, इन सब जगहों से क्वेश्चन होता है। तो इस सिलेबस वास्तविक रूप में इसका कुछ है नहीं। आपको पूरा जो अप टू 12th लेवल है आर्ट्स बैकग्राउंड का वो पढ़ना होता है। इसके अतिरिक्त बायोलॉजी से भी क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जनरल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो कोई सिलेबस निर्धारित है नहीं, लेकिन फिर भी BHU अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ पॉइंट्स को जो है वह क्लियरली कहती है कि हम इन जगहों से क्वेश्चन पूछते हैं, और वास्तविक स्थिति यह है कि उन जगहों से कुछ प्रश्न आते जरूर हैं। इसलिए यदि आप ये जो क्षेत्र हैं, इस एरिया को अगर कवर कर लें, तो 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाते हैं, और 40 क्वेश्चन बहुत अधिक मायने रखता है, 120 मार्क्स वो बहुत अधिक मायने रखता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाता है, लेकिन पहले देख लें सिलेबस क्या है। जनरल अवेयरनेस है, इसके बारे में तो आपकी पूरी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितना न्यूज़ देखते हैं, कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम को आप देखते हैं, जैसे राज्यसभा जो जो कार्यक्रम आते हैं, उन सब जगहों से क्वेश्चन इसमें रहता है। उसके बाद एक मेंटल एबिलिटी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, ये आपका टोटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। इसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें रहेगा कि मेरे पिताजी का एज 25 साल है, बेटे का एज 35 साल है, तो 5 साल पहले दोनों का एज क्या था, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। उसके बाद बायोलॉजी की जो मैंने बात की, तो उसमें स्पेसिफाइड एरिया है, प्लांट्स और एनिमल, ये क्लास 9 के NCERT में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इन सब चीज़ों को आप वहाँ देखें। उसके बाद ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन बॉडी से बहुत क्वेश्चन आता है, कौन सी हड्डी बड़ी है, कौन सी हड्डी छोटी है, और हेल्थ कि कौन सी विटामिन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। आगे ये कॉमन डिजीजेज दिया हुआ है कि कौन सी बीमारी जो है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, या फिर किस विटामिन की दवा लेने से या किस विटामिन के प्रयोग से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आप कॉमन डिजीजेस के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, वातावरण जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हालांकि ये सारे जो है बायोलॉजी के हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस जो है एक अलग सब्जेक्ट भी है, और पॉल्यूशन एक बड़ा, इसमें पॉल्यूशन का डेसिबल पूछ देगा कि कितने पे वाटर पॉल्यूशन माना जाता है, कितने पे एयर पॉल्यूशन माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लें। फिर एक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हालांकि इससे बहुत अधिक क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जनरली आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर किस दशक के दौरान, माफ कीजिएगा, किस दशक के दौरान जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ था। इस टाइप के प्रश्न इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आता है कि अगले 20 साल बाद किस देश का सबसे अधिक पॉपुलेशन हो जाएगा,
फिर एक है फूड एंड रॉ मटेरियल। फूड एंड रॉ मटेरियल में आता है प्रश्न कि धान के उत्पादन में, इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, अभी कौन सा राज्य सबसे आगे है या कौन सा देश सबसे आगे है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, इन टाइप के प्रश्न जो है फूड एंड रॉ मटेरियल्स में आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम, यहाँ से दो तीन प्रश्न आ जाता है, ये प्लैनेट्स से संबंधित प्रश्न होते हैं कि अगर मंगल ग्रह मार्स जो है वो लाल दिखता है तो क्यों दिखता है, अगर हमारा अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो किस कारण से है, ये सब प्रश्न इसमें आते हैं, उसमें सारे में ऑप्शंस दिए रहते हैं। उसके बाद एक क्लाइमेट एंड वेदर, यहाँ से भी प्रश्न जरूर आते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर में क्या प्रश्न आ जाता है कि हवाई जहाज एरोप्लेन जो है वो किस परत से गुजरती है, चार जैसे कि जो भी परत है स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर, इन सब परतों के बारे में आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 9 के एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है ये नेचुरल रिसोर्सेज, कि कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन सब चीज़ के बारे में आता है। इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों को यदि आप बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी आधी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जरूरी ये हो जाता है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़े कहाँ, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत आसानी से मिल नहीं रहा ये सब चीज़, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी बताऊंगा। अब जरा बात कर लें सोर्स ऑफ स्टडी की, कि जो सिलेबस था उसके बारे में हम कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले तो बेस बुक एनसीईआरटी, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि कहाँ पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है, हालांकि पढ़ नहीं पाते हैं लोग, लेकिन बेस बुक किसी भी इंट्रेंस के लिए जो है वो एनसीईआरटी होता है। तो 6 to 12 अगर चाहे तो 10 तक में भी कवर हो सकता है, लेकिन 6 to 12 से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों का 6 to 12 आप जरूर पढ़ लें, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। एक और बुक है लूसेंट, बड़ा ही ये रामबान बुक है, यहाँ पर हर चीज़ आपको सट में मिल जाएगा, तो आप लूसेंट को एक बार जरूर देखें। हालांकि लूसेंट को पूरा रट्टा मार जाना या याद कर जाना बहुत आसान चीज़ है नहीं। एक अरिहंत की बुक आती है बीए एंट्रेंस बीएचयू के नाम से, इस बुक को जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो है पूरा सिलेबस एक तरह से कवर करने का प्रयास किया गया, हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही, लेकिन एक सिलेबस का जो खाका है, सिलेबस का प्रिंट आउट जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। इस बुक की एक और खासियत है कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सोर्स ऑफ स्टडी जो मैंने आपको बताया उसमें अगर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप क्या करें, बीएचयू ऑनलाइन www.bhuonline.in पे जाएं, 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर बीए आर्ट्स का और बीए सोशल का, दोनों को डाउनलोड करें और दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व ही नहीं करें बल्कि जितने प्रश्न उसमें दिए गए हैं उसको रट लें, उसके रटने से 20 प्रश्न जो है सीधे आने की संभावना आएगी। अगर आप 10 साल के प्रश्न पत्र को रट जाते हैं तो 20 प्रश्न सीधे उससे आएंगे, आप पढ़ने के दरमियान देखेंगे कई प्रश्न रिपीट किए हैं। एक और खासियत यह होती है प्रीवियस ईयर पेपर की कि यदि प्रश्न रिपीट नहीं भी किया तो एक आइडिया आपको जरूर मिलेगा कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना कहां से रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं सोर्स ऑफ स्टडी में आपको कुछ बताऊंगा तो वो प्रीवियस ईयर पेपर बताऊंगा और एनसीईआरटी की बुक 6 to 12 बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये कट ऑफ जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है, टफ आया तो कट ऑफ लो हो जाएगा, क्वेश्चन आसान आया तो कट ऑफ हाई हो जाएगा, लेकिन एक जनरल मार्किंग माइंड में हो जाता है कि इतने के आसपास जो एडमिशन होता है। कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाता है क्योंकि प्रश्न भी बहुत अधिक सरल नहीं होते हैं। जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ है वो 185+, यदि आप 185+ मार्क्स लाते हैं तो 90% चांस ये है कि आपका स्थान जो है वो सुनिश्चित है, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। ओबीसी जो है, ओबीसी वर्ग के लोग, उनके लिए 160 मार्क्स लाना अनिवार्य है, इतना अगर नहीं लाते हैं वो तो एडमिशन होने की चांसेस जो है वो कम हो जाती हैं। और एससी एसटी वर्ग जो है वो 130 मार्क्स, ये आपको लाना ही लाना है, हालांकि कम भी हो सकता है, लेकिन यदि आप इतना ले आते हैं तो आप सिक्योर फील कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। इन चीज़ों के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हॉस्टल की है, क्योंकि यदि आप यहाँ एडमिशन लेते हैं
आपका एडमिशन मेन कैंपस में होता है, यदि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आपके मन में बड़ी ही बड़ा रोष आएगा कि क्यों मैंने दो चार पांच क्वेश्चन और सही नहीं कर लिए, क्योंकि BHU का जो हॉस्टल्स है वो स्वर्ग है। बाहर जब आपको छित्तूपुर सीर गेट जब आप आएंगे तो खुद परिचित हो जाएंगे इन जगहों से, बड़ा ही गंदगी युक्त क्षेत्र है, यहाँ रहने का आपको मन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के हॉस्टल्स उसके ठीक विपरीत। तो हॉस्टल के लिए कट ऑफ जो है वो जेंडर और OBC वर्ग के लिए कम से कम 210, हॉस्टल में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जेंडर और OBC उसमें सामान्य ट्रीट किए जाते हैं, और 210 प्लस यदि आप लाते हैं तो हॉस्टल मिलने की संभावना आपकी अधिक हो जाती है। और SC ST वर्ग के लिए 160 मार्क्स इतना आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपके हॉस्टल्स की संभावनाएं जो है वो बनेंगी। और आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक स्कोर करें, क्योंकि आप देखिए 150 ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 65 क्वेश्चन आप सही करें इसको क्रॉस कर जा रहे हैं, 50 ये आप अगर 50 क्वेश्चन में या 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आप क्रॉस कर जा रहे हैं, तो 150 में बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि 30 मार्क्स जो है 30 क्वेश्चन जो है वो आपके लिंग्विस्टिक के होते हैं और उसमें आप आसानी से 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, 30 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के ग्रामर या हिंदी के ग्रामर्स होते हैं और कुछ क्षेत्र उसमें होते हैं, आप क्वेश्चन में देखिएगा उसको, उन 30 प्रश्नों पे जो है विशेष तैयारी कीजिएगा, वो आपके मार्क्स को जो है ऊपर कर देगा। एंट्रेंस संबंधित सारी जानकारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहुंचाएं, एक टीम के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं। आप अभी BHU वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी दो फेसबुक पेजेस हैं, BHU अड्डा और BHU वर्ल्ड, फेसबुक पे आप इसे जाकर लाइक कर सकते हैं, आप वहां पे जाकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोस में उन चीज़ों को समाहित करें और आपकी समस्याओं को दूर करें। जल्द ही हम साइंस कॉमर्स और अन्य जो फील्ड्स हैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइज, तो अभी आपने देखा हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस एग्जाम। BHU एंट्रेंस और BHU से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए हमारे दो फेसबुक पेज को लाइक करिए, BHU वर्ल्ड व BHU अड्डा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि BHU से संबंधित तमाम वीडियोज आपको यहीं प्राप्त होंगे। धन्यवाद।